ऑलराइट दोस्तों, तो एक तरफ है बेटा, दूसरी तरफ है बाप। मैं बाप बेटा का रिलेशन क्यों बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखो समझ जाओगे। तो पल्सर फैन बॉयज, आप लोग के लिए स्पेशल मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। एक तरफ है अपनी लेजेंडरी बजाज पल्सर 220F, सॉरी दी बजाज पल्सर 220F लेजेंडरी मोटरसाइकिल, और दूसरी तरफ है पर्ल वाइट कलर में बजाज पल्सर RS 200, और 2024 मॉडल आप देख रहे हो, और ये भी 2024 मॉडल है। तो प्राइस के डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप RS 200 लेने आ रहे हो श्री विनायक बजाज शोरूम, जो कि बिहार के डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय में है, तो इसका एक्स शोरूम में स्टार्ट होता है 176,659 रुपीज़, और यहीं पे बजाज पल्सर 220 है, इसका एक्स शोरूम हमारे यहाँ स्टार्ट होता है 143,834 रुपीज़। तो ये एक्स शोरूम है। ऑन रोड प्राइस पता करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, या नहीं तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन के जरिए अपने स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के पता कर सकते हैं। तो देखो, RS 200 फुल फेयर्ड मोटरसाइकिल है बजाज ऑटो इंडिया द्वारा, और बजाज पल्सर 220 ये सेमी फेडिंग मतलब हाफ फेडिंग वाली ये मोटरसाइकिल है। तो दोनों का फ्रंट से कुछ इस प्रकार डिज़ाइन देखने को लगता है। बजाज पल्सर RS 200 में आपको फ्रंट में मिलता है ट्विन प्रोजेक्टर लाइट, ये हैलोजिन है। तो इसमें आपको LED अभी फिलहाल नहीं है, LED DRL लाइट और LED इंडिकेटर इसमें देखने को मिल जाता है। यहीं पर 220 में आपको मिलता है प्रोजेक्टर लाइट, वो भी हैलोजिन, इसमें भी LED नहीं है। इसमें तो भैया आपको इंडिकेटर भी LED नहीं है, ये बल्ब एंड रिफ्लेक्टर वाला इंडिकेटर है। दोनों का फ्रंट फेंडर में आपको कार्बन फाइबर टेक्सचर देखने को मिलेगा। बट अगर बजाज पल्सर RS 200 आप परचेस कर रहे हो तो ये फुल फेयर्ड मोटरसाइकिल है, ये देख लो, और ये 220 है, ये सेमी फेयर्ड मोटरसाइकिल है। तो इतना तो आप समझ गए। और बजाज पल्सर RS 200 में भी फ्रंट में आपको USD फोर्क नहीं मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। 220 में भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, बट बजाज पल्सर RS 200 परचेस करते हो तो इसमें आपको मिलता है पेटल डिस्क, साथ ही साथ मिलता है डुअल चैनल ABS। पल्सर 220 अगर परचेस करते हैं तो इसमें मिलता है आपको डुअल डिस्क तो मिलता है, लेकिन आपको इसमें सिंगल चैनल ABS है। इसमें भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद एंटी फ्रिक्शन बुश है। USD फोर्क दोनों मोटरसाइकिल में नहीं है। तो मीटर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, RS 200 का मीटर आप देख लीजिए, ये आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर मिलता है। इसमें फुली डिजिटल मीटर बहुत जल्द आने वाला है, सेम N250 की तरह से, बट अभी जो रॉ मटेरियल है एज इट इज आपके सामने है। गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रियल टाइम माइलेज ये आपको देखने को मिल जाएगा, सर्विस रिमाइंडर वगैरह इसमें देखने को मिल जाएगा। स्विच असेंबली जो पहले से प्रीवियस जनरेशन RS का आ रहा है वो सेम एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लगभग RS का जो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर का है। पल्सर नेम की ब्रांडिंग, E20 पेट्रोल से ऑपरेटेड, मोबाइल चार्ज करने USB चार्जिंग पोर्ट अभी इसमें नहीं है। RS की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं। सीट हाइट लगभग RS का 810 mm है, स्पीड सीट है। बैक से कुछ स्टोरी कुछ इस प्रकार है। LED टेल लाइट आपको क्रिस्टल वाला आपको डायमंड कट देखने को मिल जाता है RS 200 में। रियर टायर हगड़ के साथ ये मोटरसाइकिल आती है। डुअल चैनल ABS, 130 mm का बैक में टायर साइज है। एग्जॉस्ट कुछ इस प्रकार इस मोटरसाइकिल में देखने को मिलते हैं। नेटवर्क्स कंपनी का एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन इसमें लगे मिल जाते हैं। यहीं पर अपनी 220 है, ये देखो इसमें स्प्लिट सीट है, और लगभग 795 mm का इसमें सीट हाइट है। 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, पल्सर नेम की ब्रांडिंग, स्टिकर वगैरह इसमें RS 200 पल्सर 220 में बजाज वालों ने चेंज किया है। इसका मीटर जो है ना मेरे दोस्त, ये कंप्लीट डिजिटल है। इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, साथ ही साथ इस गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, कॉल SMS अलर्ट, और यहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन, सर्विस रिमाइंडर, कॉल SMS अलर्ट, किस बंदी का कॉलर उसका नाम बताएगा। अगर मोबाइल में नंबर सेव नहीं है तो इसमें नंबर आपको इंडिकेट करेगा। सर्विस रिमाइंडर वगैरह इसमें देखने को मिल जाएगा 220 में, जो कि RS 200 में बजाज ने नहीं दिया है। ये देखिए इसका मीटर एज इट इज़ रॉ है, जैसे शुरू से आता था सेमी डिजिटल मीटर, वही आपको RS 200 में देखने को मिल जाएगा। पल्सर 220 में आपको यहीं से कॉल पिकअप और डिस्कनेक्ट कीजिएगा, सेटिंग वगैरह इसी बटन से ऑपरेट होगा। बैकलाइट आपको एलिमेंटेड स्विच आपको देखने को मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम पास लाइट इंडिकेटर, और हॉर्न सुन लीजिए 220 का, इसमें डुअल हॉर्न है। और राइट हैंड साइड आपको इंजन की स्विच, सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है। RS 200 में आपको वही ओल्डर वर्जन वाला स्विच है, इसमें भी आपको बैकलाइट स्विच में देखने को मिल जाता है ब्लू लाइट के साथ। और दूसरे साइड आप देख सकते हो इंजन की स्विच, नीचे सेल्फ स्टार्ट का बटन है। स्टीकर वगैरह RS में चेंज नहीं हुआ है। पल्सर नेम की ब्रांडिंग 3D लोगो फॉर्म में है। RS 200 की ब्रांडिंग देख सकते हो, ये आपको ग्रे ब्रेल है RS 200 का। 220 का यहाँ पे देख लो, ये टेल पैनल है, यहाँ पे 220 की बैजिंग, इसमें स्प्लिट ग्रे ब्रेल देखने को मिल जाता है। 220 का जो टेल लाइट है एज इट इज़ है खानदानी, इसमें कोई चेंजेस कंपनी ने नहीं किया। साइलेंसर जो आइकॉनिक सिग्नेचर मार्क है 220 का, वो आपको बल्कि इसमें साइलेंसर देखने को मिलता है। बैक में डिस्क ब्रेक मिलता है, लेकिन इसमें डुअल चैनल ABS नहीं है। 120 सेक्शन का जो टायर साइज आ रहा है शुरू से 220 में, बजाज अभी भी इसमें वही चीज़ पुश कर रहा है। एंड्योरेंस कंपनी का नेटवर्क सस्पेंशन आपको मिल जाता है, इसमें कोई मोनो सस्पेंशन नहीं है। RS 200 के तरह से इसमें मोनो सस्पेंशन है, लेकिन इसमें मोनो सस्पेंशन नहीं। बाकी 220 का साइलेंसर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत लोगों को पसंद आता है, मेरे को भी पसंद आता है। यहाँ पर बैटरी प्लान देख सकते हो, शाइनी कार्बन फिनिश फॉर्म में देखने को मिल जाता है।
ना पल्सर 220 में किक है और ना ही यहाँ पे देखो और ना ही RS 200 में किक है। बट RS 200 में आपको ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी मिलता है, DTSI टेक्नोलॉजी मिल जाता है। इसमें जो इंजन है लगभग आपको 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्टॉक लिक्विड कूल फोर वाल्व DTSI टेक्नोलॉजी के साथ BS6 फेज 2 OBD2 सेंसर के साथ फोर वाल्व इंजन मिलता है। लगभग 24.1 PS का पावर, 18.7 न्यूटन मीटर टॉर्क, 6 गियर, इसमें स्लिपर क्लच नहीं आता है। समझ गए, यहीं पर जो पल्सर 220 है ये भी DTSI इंजन है। DTSI इंजन मतलब दोनों साइड आपको स्पार्क प्लग मिलेंगे, ट्विन स्पार्क प्लग इग्निशन वाला सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे DTSI वाला स्टिकर कंपनी ने रिमूव कर दिया। इसमें किक नहीं आता है, ऑयल कूल इंजन मिलता है, फ्यूल इंजेक्टेड, 20.11 PS का पावर, 18.55 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 5 गियर के साथ। तो 220 में 5 गियर है, RS 200 में 6 गियर है। टॉप स्पीड RS का इसका लगभग आपको 148-150 आराम से ये टच कर जाती है। 220 भी आपको 145-146 आराम से ये टच कर जाएगी, 150 भी टच करेगी, लेकिन चलाने वाला बंदा का जिगर होना चाहिए। इस साइड से 220 का आप लुक ले लीजिए, यहाँ पर टैंक पैड मिल जाते हैं, इस साइड 5 गियर इसमें दिया गया है, इंजन का दूसरा साइड लुक देख सकते हैं, सारी इंजन कटअप का सेंसर मिल जाता है, सारी गार्ड और लेग गार्ड प्री इंस्टॉल इसमें मिल जाते हैं, हाफ चेन गार्ड के साथ ही मोटरसाइकिल आती है। 220 का बैक से पोर्शन आप देख लो कुछ इस प्रकार में लगता है मेरे दोस्त, और RS 200 का जो फुल फेड मोटरसाइकिल है बजाज का, ये पर्ल वाइट कलर में आपको दिखा रहा हूँ, वो ब्लैक पर रेड स्टिकर है, ये आपको पर्ल वाइट कलर में RS 200 आप देख रहे हो। टायर में आपको बता दूँ, जो 220 है ना मेरे भाई, 220 का टायर साइज है ना, आई थिंक सो वही टायर साइज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 90-90-17 का जो आता है ना, वही टायर साइज आपको इसमें लगा के दिया जाता है। 220 के साथ एडवांटेज क्या है, यहाँ पर आपको ऑन द गो चार्ज भी कर सकते हो अपने फ़ोन को, चार्जिंग पोर्ट मिला हुआ है, जो कि RS 200 में अभी तक अपडेट नहीं, इसमें कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है, लेकिन RS 200 चलाने का अपना ही एक अलग फील है, अपना ही एक मज़ा, समझ गए मेरे दोस्त। डुअल चैनल ABS है RS, वो सिंगल चैनल ABS है पल्सर 220, तो इसमें लगभग 13 लीटर का फ्यूल टैंक, माइलेज आपको RS 200 रफली आपको 25 से लेकर 30-32 के बीच का माइलेज देगा, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है, माइलेज एक्सपेक्टेशन मत रखो। इसमें 15 लीटर का टंकी है, 220 आपको आराम से 40-42 के बीच का माइलेज देता है। देखो मेरे दोस्त, अब जो RS लवर है, तो भैया आपका जो बीस्ट है ये RS 200 पल्सर, इसको स्टार्ट करके आपको इंजन साउंड मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ, उसके बाद 220 लवर आप भी वेट कर लो सेकंड भर का, मैं उसका भी साउंड सुनाता हूँ। फ्रंट से लुक ले लो RS का, हेडलाइट का ये देखो, फ्रंट से आपको बम्बल बी डिजाइन देखने को लगेगा, ऐसा लगेगा कि RS 200 आपको सामने से घूर रहा है। अब 220 फैन बॉयज, अब आपकी फेवरेट 220 स्टार्ट करते हैं, और इसका एग्जॉस्ट नट सुनिए, ये है RS 200 का हेडलाइट का थ्रू, और ये है पल्सर 220 का हेडलाइट का थ्रू, दोनों का थ्रू आप इस वीडियो में साक्षात अपने स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। भाई दोनों में हैलोजन है, लेकिन लाइट तगड़ा दोनों में मिलता है आपको। ये हाई बीम चेक करो इसका 220 का, समझ गए, ओ माय गॉड, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो भैया इसी नोट पर करते हैं वीडियो खत्म, RS वर्सेस 220, मैंने प्राइस बताया, इंजन साउंड सुनाया, स्पेसिफिकेशन इंजन का बता दिया, दोनों ही मोटरसाइकिल ज़बरदस्त है। आपको कहाँ आना है, श्री विनायक बजाज शोरूम, जो कि बिहार के डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय जिला में है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया मैंने, आप यहाँ पे बजाज प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी नोट पर करते हैं वीडियो खत्म, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिव फ्री राइड हार्ट एंड हैव अ सेफ राइड, पीस आउट।